हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रावी एंड श्रुति इस वर्ल्ड। मैं हूँ श्रुति। मैं श्रावी सेबास्टियन। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भी यहाँ पर ठीक है। और आज है मंडे, आज मेरा फास्ट है और आज मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। बहुत ही एकदम बादल बादल जैसे बारिश जैसा हो रहा है और हो सकता है इवनिंग तक बारिश हो भी जाए। और यहाँ पर क्या गर्मी थी बहुत दिन से, तो आज मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। आज श्रावी के पापा भी ऑफिस गए हैं, मैं और श्रावी फ्री बैठे थे, तो हम लोगों ने अपने व्लॉग की ओपनिंग कर दी क्योंकि हम लोगों ने कल एक रेसिपी शूट की थी वेजिटेबल मंचूरियन की स्ट्रीट स्टाइल, और उसकी हम कल ओपनिंग नहीं कर पाए थे। और मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बना था, सबको बहुत पसंद आया, श्रावी को, उसके पापा को, मुझे, हम तीनों को बहुत पसंद आया। तो हमने इसकी रेसिपी शेयर करेंगे अभी आपके साथ में, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, पूरा एंड तक देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी, एकदम मार्केट स्टाइल बनेगा। और आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जाके रेसिपी चेक कीजिए, देखिए, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, इंजॉय कीजिएगा। और चलिए अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय बाय, और रेसिपी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है कैबेज, ये वाइट कैबेज है, इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। और ये कैबेज, इस कप से 2 कप कैबेज लिया है मैंने। उसके बाद में अगर आप चाहो तो मंचूरियन बॉल बनाने के लिए और भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो, उसमें कैरेट, बीन्स, स्प्रिंग अनियन, ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं केवल कैबेज की बना रही हूँ तो इसलिए मैंने केवल कैबेज को लिया है। उसके साथ में और सब्जियां ली हैं थोड़ी सी, ये देखिए, ये है कैरेट, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। कैप्सिकम, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है मैंने। अनियन, इसको भी बड़ा बड़ा काट लिया है। इसके बाद में ये है गार्लिक, ये मैंने ढेर सारा इसको फाइनली चॉप किया है। ये ग्रीन चिली, इसको भी फाइनली चॉप किया है। इसके बाद में ये है जिंजर, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये थोड़ा सा मैंने फ्रेश कोरिएंडर लिया है, इसके साथ में थोड़ी सी फाइनली चॉप अनियन ली है। और ये मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लोर और मैदा, ये इस स्पून से 3-3 स्पून है। तो अगर ये हमको कम ज़्यादा अगर लगेगी तो हम उस हिसाब से बीच में मैं आपको बताती जाऊंगी। थोड़े से सॉसेस ले लिए हैं मैंने, ये है डार्क सोया सॉस, ये है चिली सॉस, ये है टमाटो सॉस। इसके साथ में थोड़े से मसाले लगेंगे, नमक मिर्ची, ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका डो रेडी करते हैं। तो इसमें तो फ्रेंड्स, डो बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल देती हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, ये बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं। इसके बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा इसमें ऐड। इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद में मैं इसमें से जो मैंने गार्लिक चॉप किया था, थोड़ा सा मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ, थोड़ा सा जो चॉप किया हुआ जिंजर है ग्रेट किया हुआ, थोड़ा सा इसमें मैं जिंजर डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैं इसमें ग्रीन चिली डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ये मैं फ्रेश कोरिएंडर जो मैंने चॉप किया था इसमें वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हो तो आप वो भी डाल सकते हो, मेरे पास में वो है नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं किया उसमें। और अब मैं इसमें पहले थोड़ा थोड़ा ये कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा ये मैदा ऐड करके इसको बाइंड करके देखती हूँ। एक साथ पूरा कभी भी मत डालिएगा, क्योंकि अगर वो थोड़े कम में ही बाइंड हो जाएगा तो हम कम ही डालेंगे, और अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो हम एक्स्ट्रा डालेंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से पहले बाइंड करते हैं, क्योंकि ये सब कैबेज के ऊपर और वेजिटेबल्स के ऊपर है कि उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी रहता है तो बहुत ज़्यादा लग जाता है मैदा और ये कॉर्नफ्लावर, और कभी कभी बहुत जल्दी बाइंड होने लगता है। देखिए इसमें ज़्यादा पानी है तो ये अभी तो बाइंड नहीं हो रहा है, हमको पूरे ही डालना पड़ेगा इसमें। मैंने इसमें सारा कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और सारा मैदा डाल दिया है, अभी इसको मैं करके देखती हूँ माइंड। इसमें क्या बहुत ज़्यादा अगर अपन कॉर्नफ्लावर और मैदा मिला देंगे तो बहुत आटे आटे जैसा आएगा जब हम इसको खाएंगे,
तो इसको थोड़ा सा कम ही मिलाना है, जितने में इजीली बस बाइंड होने लगे उतने हमको मिलाना है। देखिए अब इसकी बॉल बंद हो रही है, ये देखिए बन रही है। तो इस टाइम पे मैं इसकी अब छोटी छोटी बॉल बना लेती हूँ। बॉल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाइए, बड़ी या छोटी जैसे भी आप चाहें। और एक तरफ मैं ऑयल चढ़ा देती हूँ उनको फ्राई करने के लिए, क्योंकि हमें इनको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, वरना ये और ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा इसमें। तो ये देखिए मेरी एक बॉल बन गई है, मैं ऐसे सारी बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ऑयल गर्म हो गया है। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल गर्म नहीं चाहिए, थोड़ा सा मीडियम ही चाहिए। और अब हम इसमें ये डाल रहे हैं अपनी बॉल। तो देखिए से मैं सारी डाल देती हूँ इसमें। तो देखिए मैंने एक बैच के सारे डाल दिए, अभी थोड़े से और बचे हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट बैच में सेकूंगी। अब इनको एकदम मीडियम टू हाई पे हम धीमे धीमे पकने देंगे, बहुत ज़्यादा ना ही हमको फुल गैस कर फुल फ्लेम करनी है और ना ही एकदम लो करनी है, मीडियम से हाई के बीच में हमको रखना है। तो ये धीरे धीरे पकेंगे अच्छे से, इनको सिकने देते हैं और जब तक ये 80% तक फ्राई हो जाएंगे फिर हम इनको निकाल लेंगे, फिर हम इसका सेकंड फ्राई करेंगे। तब तक इसको छेड़ना नहीं है, ये धीरे धीरे फ्लोट होकर के ऊपर आने लगेंगे। क्योंकि थोड़े थोड़े हो गए हैं फ्राई, तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा स्टर कर देती हूँ धीमे धीमे हाथ से, तो बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ना है वरना ये फट जाएंगे बीच में से। और आपका मैदा कॉर्नफ्लोर का इसमें रेशियो सही है कि नहीं इसी बात से पता चल जाएगा कि ये सिकने के टाइम फटेंगी नहीं बॉल, तो मतलब रेशियो सही है, रेशियो सही है। और अगर ये फट जाती है तो रेशियो गलत है, तो हमारा रेशियो सही था बिल्कुल। और ये देखिए बॉल एकदम सही बन रही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स 80% तक पक गए हैं, इनमें हल्का हल्का कलर भी आने लग गया है। और इस टाइम पर मैं इनको निकाल लेती हूँ, दूसरा बैच भी सेक लेती हूँ और इसको हम डबल फ्राई करेंगे, तो तब इसमें ऊपर से क्रिस्पीनेस आ जाएगी। अभी अंदर से अच्छे पक गए हैं, हल्का सा कलर भी आ गया है, और इसको एकदम अच्छा क्रिस्पी करने के लिए ऊपर से हम इसको दोबारा सेकंड फ्राई करते हैं। तो इसको मैं अभी निकाल लेती हूँ। तो हमारे मंचूरियन सिंगल फ्राई हो गए हैं पूरे, और अब डबल फ्राई करने के लिए मैंने गैस को ऑयल को एकदम तेज गर्म कर लिया है, बहुत धुआं निकल रहा है उस तरीके का गर्म कर लिया है। और अब मैं इसमें मंचूरियन डालूंगी और मुश्किल से एक मिनट भी नहीं लगेगा और ये अच्छे से गोल्डन ऊपर से हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि ये कुक हो चुके हैं अंदर से, बस इनको कलर देना है हमें। तो अब मैं इसको डालती हूँ। तो मैं इनको होने देती हूँ, एक मिनट में इनको निकाल लेते हैं। देखिए ये तुरंत हो जाएंगे, और जैसे ही हो जाएंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कलर आ गया और क्रिस्पीनेस भी आ गई, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो देखिए हमारी मंचूरियन बॉल एकदम रेडी हो गई है, एकदम परफेक्ट बनी है ये, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी है ये और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, पूरी तरह कुक है। और अब इसका सॉस रेडी करते हैं। ये देखिए तो सॉस बनाने के लिए मैंने ये सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल डाल दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी ये मैंने जो बारीक गार्लिक चॉप किया था, तो सबसे पहले हम ये डालेंगे इसमें। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे एक मिनट के लिए। किसी भी चीज़ को इसमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ी सी क्रंची रहेंगी तभी अच्छी लगेंगी। बस इसमें हल्का सा कच्चे वाली स्मेल चली जाए इसकी, तब तक हमको गार्लिक को करना है।
और इसके साथ में मैं इसमें ये जो मैंने थोड़ा सा जिंजर बचा है ग्रेट किया हुआ ये डाल देती हूँ। एक मिनट के लिए इसको सॉटे करना है, बस ये हो गया है। अब मैं इसमें जो हमने बारीक अनियन चॉप की थी वो ऐड कर देती हूँ। हल्का सा इनको भी स्टर कर लेते हैं। अब बहुत जल्दी जल्दी हमको करना है, गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखना है। अनियन भी हो गई है बस। अब इस टाइम पर मैं इसमें जो हमने ये स्लाइस किए हुए कैप्सिकम, अनियन और कैरेट और ग्रीन चिली रखी थी ये इसमें ऐड कर देते हैं सारी चीज़ें, और इनको अच्छे से स्टर करके हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है इनको। और अगर आपके पास में बीन्स वगैरह हो और आपको वो भी ऐड करना हो तो आप इस टाइम पर वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने केवल ग्रीन कैप्सिकम ली है, आप चाहो तो रेड और येलो भी ले सकते हो साथ में। और बस इनको हल्का सा सॉटे कर लेते हैं हम। इस टाइम पे मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देती हूँ। ये मैंने ब्लैक पेपर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर, ये मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। ध्यान रखिएगा कि हम डार्क सोया सॉस डाल रहे हैं या सोया सॉस जो भी डाल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट रहता है, तो उस हिसाब से देख करके ऐड कीजिएगा कि ज़्यादा ना हो जाए कहीं। अगर बाद में लगे तो सॉस बनने के बाद पूरा तो भी आप ऐड कर सकते हो। इस टाइम पे आधा चम्मच में रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग तीखा कम खाते हैं तो ना ऐड करें। अब मैं इसमें थोड़े से सॉस ऐड कर देती हूँ। ये है रेड चिल्ली सॉस, ये मैं ऐड कर रही हूँ 1.5-2 चम्मच के करीब। ये है मेरा सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है, मैं थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ। आपका अगर लाइट हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 1/2 स्पून के करीब इसमें ऐड किया है। और ये है टमाटो सॉस, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 स्पून के करीब है। टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। ये अगर आपको, मैं ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ इसमें मैंने थोड़ा सा कम ऐड किया है। अगर आपको ग्रेवी वाला बनाना हो तो इस टाइम पे आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर दें। और अब मैं एक स्लरी बना रही हूँ इस सॉस को गाढ़ा करने के लिए और इससे गार्लिक अच्छे से बाइंड हो जाए। उसमें मैंने लिया 1 ये स्पून भर के कॉर्नफ्लावर और इसमें मैं 2 स्पून भर के पानी मिलाऊंगी और एक इसकी स्लरी बनाऊंगी। और ये मैंने स्लरी बना ली है, ये मैं इसमें धीमे धीमे ऐड करूंगी और इसको स्टर करती जाऊंगी। और देखिए इसको डालते ही सॉस कितना गाढ़ा होने लगा और ये लहसुन को बाइंड कर देता है अच्छे से। ये पूरी मैंने इसमें डाल दी है, ये देखिए हमारा सॉस रेडी हो गया है। इस टाइम पे आप चाहो तो चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो नमक कम ज़्यादा या कोई मसाला कम ज़्यादा तो नहीं है। और फिर हम अपनी मंचूरियन की बॉल इसमें ऐड कर देते हैं और ये मंचूरियन की बॉलों को ऐड करके अच्छे से स्टर कर देते हैं। बस ये हमारा मंचूरियन रेडी है, ये देखिए अच्छे से कोट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है वरना सॉफ्ट हो जाएंगे। और मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं है, वरना आप इस टाइम पे स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हो। मैं इसको धनिया से गार्निश कर देती हूँ। बस रेडी है हमारा मंचूरियन, वो देखिए कितना टेस्टी बना है और कितना सुंदर भी लग रहा है। हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ।
तो हमारा फ्रेंड मंचूरियन बन के रेडी हो गया है। ड्राई मंचूरियन है, आप इसको चाहो तो ग्रेवी वाला भी बना सकते हो, और ये बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने इसको टेस्ट किया था, इसके सॉसेस वगैरह एकदम परफेक्ट हैं, उसमें नमक मिर्ची हर चीज़ का टेस्ट एकदम परफेक्ट है और बहुत ही अच्छा बना है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस रेसिपी को आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। और अगर ये पसंद आ रहा है तो ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एक बार मैं आपको इस बॉल को तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखिए कितने आराम से टूट गया और अंदर से कितनी सॉफ्ट है, प्रॉपर कुक है ये देखिए, और बाहर से एकदम क्रिस्पी है। और आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, टेक केयर।